according to the paper style. ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पेपर स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन था जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 फोर्थ जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है 1 से लेकर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपने हमने यहाँ पे लिखे थे इस टाइप क्वेश्चन आंसर जो आपको पूछे जाए, तो इसके अंदर हमने एमसीक्यू है, फिर ब्लैंक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, द फॉलोइंग के बारे में हमने बात की, ठीक है, तो उसके बाद जो है आज हम क्वेश्चन आंसर किस टाइप क्वेश्चन आंसर जो है, ठीक है, वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के अंदर पूछेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपको 6 मार्क के अंदर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको 1 और 2 जो सेंटेंस के अंदर लिखना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, इसके बाद नेचर बाय विच वी कैन ट्रैवल थर्ड industries. So that education what a small scale
for that. ठीक है, ये एनोटेशन फाइव है। आपको इस टाइप के ऑक्यूपेशन जो है वो पूछा जा सकता है, तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। नोटबुक के अंदर आपको राइट डाउन करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर में आपको लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, वो आपको असाइनमेंट जो आपको दिया गया है वो असाइनमेंट के अंदर से, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर से आपको ये क्वेश्चन आंसर जो ढूंढना है उसके बाद लिखना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ राइट डाउन करो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है स्टूडेंट वो आपको थ्री और फोर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखना है, जो आपको एट मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे आपको कौन कौन से किस टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट अबाउट डू Thank you.
बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो प्लीज रेडी नंबर 2 और इस टाइप के आपको क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको जो वर्कशीट जो दी गई है उसके अंदर से आपको लिखना है, ठीक है। याद रखिए वर्कशीट के अंदर असाइनमेंट के अंदर से ये क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। और इसकी जो प्रिपरेशन जो आपको एग्जाम के अंदर करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 और 6 जो यहाँ पे हमने फिनिश किया, उसके बाद लास्ट जो है स्टूडेंट इसका जो यहाँ पे हम यहाँ पे आइटम करते हैं सो स्टूडेंट लास्ट जो अंदर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आप लिख लेता हूं क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको ये होमवर्क के अंदर लिख देता हूँ, होमवर्क के अंदर इसका आंसर जो आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ये इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। सेकंड
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है ठीक है उसके आंसर आपको होमवर्क के अंदर ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको लाइन के अंदर उसके आंसर जो है रूटीन के निकालना है ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे होमवर्क के अंदर आपको टाइम लिखना है ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन सिक्स से आपको नोटबुक के अंदर और रैंडम कर ले स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन आंसर जो है पेपर स्टाइल के अंदर कौन से क्वेश्चन कौन सी तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ठीक है, जिसमें हमने इस लेक्चर के अंदर बात की पेपर स्टाइल के अंदर बात की ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर पेपर स्टाइल जो है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखे हैं, तो इसकी प्रिपरेशन जो आपको एग्जाम के अंदर करनी है। और लास्ट में जो यहाँ पे हमने होमवर्क के अंदर आपको दिया है जो आपको सब्जेक्ट रहेगा जो आपको होमवर्क के अंदर लिखना है ठीक है। तो एग्जाम की आप पूरी तरह से प्रिपरेशन करें ठीक है, यानी 5 डे के अंदर एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप अभी से ही रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मेरी ओर से अच्छे से अच्छे आप जो मार्क जो है ठीक है वो आप लाए शुभेच्छा ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पेपर स्टाइल का रिविजन जो वीडियो यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रिंसिपल के पद के लिए स्टे होम स्टे सेफ। बाय स्टूडेंट।